जा मुन्ना सो जा, लाल पलंग पे सो। हो हो हो, हमसे नाराज हो? देखो अब से हम तुम्हारा और बबुआ का दोनों का बहुत ख्याल रखेंगे। तुम दोनों ही हमारी जिंदगी हो, हम तुम दोनों के साथ बहुत खुश हैं। ना हम तुम्हारे बिना जी सकते हैं और ना अपने बबुआ के बिना। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं लस्सी, तू थक गई होगी ना। एक काम कर, बबुआ को पालने में सुला दे और खुद भी थोड़ा सो ले। नहीं नहीं, बबुआ को पालने में हम नहीं सुलाएंगे। बबुआ के पालने में नहीं सुलाएंगे, अपने पास सुलाएंगे हम। तुमने बहुत अच्छा किया जो शहर से लाची दीदी के लिए गुड्डा ले आए। गुड्डा मिलने के बाद लाची दीदी की हालत थोड़ी सुधर गई है ना? हम तो डर ही गए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि गुड्डे को देखकर उनका बर्ताव कैसा होगा, वो क्या करेंगी। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है, वो खुश हो गई। चलो अच्छा है, इसी बहाने कम से कम वो समय पर खाना और अपनी दवाइयाँ तो खा लेंगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लाची दीदी सही समय पर दवाई लेंगी तो उनका मन भी शांत रहेगा और उनकी तबीयत भी जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा याद आया, तुम्हारी डॉक्टर साहब से बात हुई क्या? अरे हम तो भूल ही गए। अच्छा हो तुमने हमें याद दिला दिया, हम अभी उन्हें फोन कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि भौजाई की सेहत के बारे में उन्हें खबर देते रहे, जरा हमारा फोन देना। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है, अब तक तो सो भी चुके होंगे वो। लेकिन कोशिश करने में हर्जी क्या है, ज्यादा से ज्यादा वो हमारा फोन नहीं उठाएंगे ना। लाओ हमारा फोन दो। फोन कहाँ गया? क्या हो रहा था, फोन नहीं मिल रहा है क्या? नहीं पता नहीं कहाँ गया, यहीं पर तो देखा था हमने। फोन कहाँ जा सकता है, देखो यहीं कहीं होगा। अब जल्दी से फोन लगा, नहीं तो मेरे से फोन आ जाएगा। पांच पांच नो नो नो। डॉक्टर क्या हुआ, घंटी बज रही है। चाहिए था फोन, फोन कहाँ चला गया?